हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू स्वानी टीन्स। मेरा नाम है अनाया और मैं हूँ आप सबकी यंगेस्ट ब्लॉगर। तो क्या है ना, मेरा ना बाहर जाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो राजस्थान चलते हैं। तो मैंने पापा से पूछा कि पापा चलो चलते हैं, तो पापा ने बोला नहीं अभी इतना बजट नहीं है, तो कभी और चलते हैं। फिर मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा ने बोला कि नहीं बेटा ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। तो मेरा ना घूमने जाने का बहुत मन कर रहा था पर नहीं जा पाए, तो मैंने सोचा कि कहीं ना हम लोग राजस्थानी खाना एंजॉय कर ले। तो अभी हम वही ढूंढने वाले हैं, पर वो कैसे करेंगे, हम लोग तो अभी पुणे में हैं, तो हम राजस्थान का खाना कैसे खा सकते हैं। क्योंकि अब हम आए हैं घूमर में, मतलब ये घूमर नहीं है, ये घूमर रेस्टोरेंट है। और एक और बात, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आप ऐसे घूमर घूमर करके यहाँ पे आओ, आप मेरी तरह नॉर्मल ह्यूमंस की तरह चल के भी आ सकते हो। ये ना एक ऑथेंटिक राजस्थानी रेस्टोरेंट है और ये एक प्योर वेज रेस्टोरेंट भी है। तो एक और बात, अगर आप राजस्थान से हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर राजस्थान तो सबको पसंद है। तो वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा होता है, वहाँ के प्लेसेस भी बहुत अच्छे होते हैं। और ये वीडियो पूरा एंड तक भी देखना, क्योंकि हम हर वीडियो की तरह इसमें हम एंड में सारे रिव्यूज एंड पोस्टिंग भी डाल देंगे। हम लोगों ने राजस्थान के बारे में इतनी सारी बातें कर ली है, तो अब हम चेक करते हैं कि यहाँ का खाना कैसा होता है। अब हमारी थाली रेडी है, तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। तो यहाँ पे है सलाद, यहाँ पे है पापड़, यहाँ पे है पनीर की सब्जी, यहाँ पर है आलू टमाटर की सब्जी, ये है बेसन का गड्ढा, ये है सरसों की सब्जी, ये है कुछ तो ऐसा मीठा है कुछ तो, ये है दही बड़ा, ये है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कढ़ी, और ये है दाल बाटी चूरमा, और अभी ये है मूंग दाल का हलवा, ये है रोटी, यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है, ये बाजरे की रोटी, और ये नॉर्मल रोटी है छोटी वाली, ये पूरी है, यहाँ पे कचौरी आती है, और हाँ ये छाछ है, और ये टमेटो सूप है। सो दैट्स इट, ये हमारे थाली में आता है। सो लेट्स डिग इन। अच्छा, तो मैं ना रिव्यू करना तो भूल ही गई, क्योंकि खाना इतना टेस्टी था ना इसमें भूल ही गई। तो ये जो कचौरी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे क्रिस्पी है, और इसके अंदर का जो फिलिंग है ना वो ज़्यादा मतलब ऐसे फुल स्टफ नहीं है, थोड़ी फिलिंग है, आप इधर देख सकते हो अंदर। और ये पनीर की सब्जी मतलब ऐसे नॉर्मली है, जैसे हम लोग घर पे बनाते हैं या जैसे हम लोग नॉर्मली है। और ये जो है ना बेसन का गड्ढा, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और ये क्या है, और ये मेथी मूंग बड़ी है, जिसको हम लोगों ने गलती से सरसों की सब्जी बोल दिया, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और ये दही बल्ला भी बहुत अच्छा है। तो ये जो कढ़ी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा थिक है, और उसमें ना इन लोगों ने वो बॉइल्ड चने होते हैं ना वो भी डाले, जिसकी वजह से वो बहुत ही थोड़ा अच्छा उसका टेस्ट आ रहा है। और ये है
चूरमा मीठा चूरमा ऑफ कोर्स ये मीठा होगा ही क्योंकि ये मीठा चूरमा जो है पर ये थोड़ा ड्राई है। और ये है मूंग दाल का हलवा जो कि सबसे अच्छा है। इसमें मतलब घी का टेस्ट और ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आ रहा है और ये खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अच्छा एक और बात, ये लोगों ने ना ये टमेटो सूप भी दिया था। पहले हम लोगों को लगा था कि ये एक ऑरेंज जूस है पर नहीं, मम्मा ने टेस्ट किया तो उसको पता चला कि ये एक टमेटो जूस सूप है। तो हम लोगों ने ना दाल राइस और खिचड़ी भी ऑर्डर की थी तो आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हो। तो ओवरऑल ना हम लोग इस रेस्टोरेंट को 7/10 दे रहे हैं क्योंकि इसका जो फूड है और इसका जो टेस्ट है वो और थोड़ा बेटर हो सकता था और इसकी जो सर्विस है ना वो भी थोड़ी स्लो है तो इसके लिए हम लोग इसको 7/10 दे रहे हैं। तो ओवरऑल इसका जो एम्बियंस है वो बहुत ही मतलब अच्छा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक और बात मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दे रही हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो अभी तक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्वानी डील्स।